ओम शांति। अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। देखो सवेरे सवेरे जिन रूहों को रूहानी बाप उठाता है, कितने भाग्यवान हैं हम सभी। अमृत वेले का समय है, चारों ओर विशुद्ध पवन है, प्योर एयर है, प्योर वाइब्रेशंस हैं, और भगवान हमें आकर जगाता है। बच्चे उठो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने आ गया हूँ, मेरे से ले लो। हम जग जाते हैं, जो नहीं जगते उन्हें जगना है। हम सब कहते थे भगवान ने जब भाग्य बांटा तो तुम कहाँ थे। रोज सवेरे भगवान भाग्य बांटता है, हम कहाँ होते हैं, बिस्तर में या उसके पास, आलस में या फुल्ली अपने को चार्ज किए हुए। देख ले हम कहाँ होते हैं। तो भगवान हमें जगाकर सब कुछ देता है। आज हम एक विशेष बात पर पहले चर्चा करेंगे कि अमृत वेले इस ब्रह्म मुहूर्त के काल में हमें क्या क्या लक्ष्य रखना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात, हमें श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को चार्ज करना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमें स्वयं को स्मृतियां दिलानी हैं कुछ, और अपनी सोई हुई शक्तियों को, सोई हुई चेतनाओं को जगाना है। तीसरा लक्ष्य, हमें भगवान से बातें करके अपने मन को परमानंद से भरना है, उसे शुक्रिया भी करना, उससे बातें भी करनी है, उसने हमें क्या क्या दिया ये भी याद करना है। चौथी बात, परमधाम में उसके पास बैठकर उससे शक्तियां लेनी है, विक्रम विनाश भी करने हैं। पांचवी बात, हमें सूक्ष्म वतन में जाकर उनसे दृष्टि लेनी है, वरदान लेनी है, बातें भी करनी है। और अगली बात, हमें पांच स्वरूपों का अभ्यास भी करना है। ये श्रेष्ठ स्मृतियां हैं हमारी। और नेक्स्ट बात, हमारा जो एक परम कर्तव्य है, संसार की आत्माएं हमारी ओर जो प्यासी नजरों से देख रही हैं, हमें उनकी प्यास भी बुझानी है, वाइब्रेशंस देने हैं, सकास देनी है, शक्तियां देनी हैं। और अगली बात इसी में, ये प्रकृति भी हमारी रचना है, इसने हमारी पालना बहुत की है, हमें इसको प्योर वाइब्रेशंस देने हैं, उसको भी शुक्रिया करनी है। हमने कोई गलती की उसके प्रति उससे क्षमा याचना भी करनी है। नेक्स्ट बात, हमें इस समय रूहों से रूहान भी करनी है। मैं सभी बातें आज लेना चाहता हूँ थोड़े थोड़े में। पांच स्वरूपों के अभ्यास को हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले उठते ही हम स्वयं को सुंदर संकल्पों से चार्ज कर दें। योग हमारा उठते ही शुरू हो जाना चाहिए। ये नहीं हम फ्रेश होने में 10-15 मिनट निकाल दें, उठते ही संकल्प करो, वाह आँख खुली, प्रभु मिलन हो रहा है, बाबा अपनी सर्च लाइट दे रहे हैं मुझे। तो उठते ही इस तरह के संकल्प करें, मैं विजयी रतन हूँ, माया पर मेरी जीत निश्चित है, मेरे जैसा भगवान कोई नहीं, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। ये संकल्प हम 5-5 बार भर दें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आप देखेंगे कमाल होंगे, चमत्कार होंगे। जिनका भाग्य लगता है कि साथ नहीं दे रहा है, उठते खुले मन से करो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। प्रकृति में भी तरंगे फैल जाएंगी, आकाश सूरज चांद तारे सब वाइब्रेट होने लगेंगे, नीचे से आवाज आ रही है, कौन है ये जो कह रहा है मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। और यही सब मिलकर
आपके भाग्य की आपके ऊपर बरसात करने लगेंगे।